another day, another episode, yet another challenge. तो यार आज मैं सिर्फ chopsticks use करते हुए आज का सारा खाना खाने वाला हूँ. Why? Looks like I can do anything for views. Oh come on, I was just kidding. तो यार problem ये है. चॉपस्टिक से खाना खाना मुझे आता नहीं है, बट श्योरली आई हैव सम स्किल्स लाइक आई कैन डू दिस एंड दिस टू. चलो यार अब सीधा काम पे आते हैं. नाउ इट्स टाइम टू ईट. ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और मैंने बनवाए हैं आलू के पराठे. यार एक बड़ी सही चीज है इस चैलेंज की, मुझे किचन में जाके कुछ बनाना नहीं है, तो मेरे लिए लाइफ अब बहुत आसान है. So, life आसान है. Great. अब इसको मैं खाऊं कैसे? Like, the thing is, इसको मैं रोल कर देता हूं, फिर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. It turns out, my struggle और आप लोगों के सही मजे हैं, तो पूरा दिन बड़े मजे आने वाले हैं आपके. अबे 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 रुक. Alright, मैंने ना चॉपस्टिक से पराठे खाने का एक सही हैक निकाला है. पराठे को रोल करो और उसके अंदर ऐसे स्टिक घुसा दो और then you're good to go. You see, मैंने आप लोगों को बोला था, I've got skills. Yeah, to be very honest, chopsticks के साथ परांठे खाने में मुझे कोई ज़्यादा hardship हुई नहीं. और मैंने अब आपको hack भी दे दिया है, तो this thing is so busted. परांठे के चीथड़े उड़ गए. यार वैसे परांठे खाने का जो मज़ा हाथों से है ना, वो chopsticks से तो नहीं है. What have I done to my paratha? यार मतलब अब ना खाने का भी मन नहीं कर रहा हूं, इतनी बुरी शक्ल हो गई है ना पराठे की. ब्रेकफास्ट सॉर्टेड. तो क्वारंटाइन में मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा है, मैं लंच के समय तो अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ और पूरे दिन आई बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स. गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टोटली फॉरगॉट टू यूज देम. ओके लेट्स डू इट. आ जा यार भाई, ऐसे तो यार मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये तब भी खत्म नहीं होंगे. यार मूवी देखते देखते तो मैं इनको यूज कर सकता हूं, बट जब मेरा शाम में पबजी सेशन होगा, आई डोंट नो तब मैं कैसे अपनी मन चीज खाऊंगा. 2000 years later. वैसे यार मैं बहुत सारे पैन एशियन रेस्टोरेंट्स में गया हूँ और वहां मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती इन चॉपस्टिक्स को यूज करने में. आई डोंट नो व्हाई आज क्यों नहीं हो रहा यार. वैसे वहां तो लोगों के सामने मैं बड़े अच्छे से परफॉर्म कर लेता हूँ मैं चॉपस्टिक्स से, बट आज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. लिटरली अब मेरी उंगलियां थक चुकी हैं और इसको ना अभी तक मैंने 1/4 भी खत्म नहीं किया है. ओह गॉड. गाइज इट्स टाइम फॉर माई लंच एंड आज पता है लंच में क्या है? आई हैव पिज्जा. वैसे पिज्जा मैंने नहीं बनाया, थैंक्स टू माई माताश्री एंड वी गोना हैव दिस पिज्जा.
with this chopsticks. वैसे यार आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही पिज़्ज़ा खा रहा हूँ. I made a video few days back जिसमें I survived on pizza for whole day, but पूरे दिन में एक भी पिज़्ज़ा में मैंने पिज़्ज़ा बेस यूज़ नहीं किया. मैंने कुछ ना कुछ, कभी कभी मैंने मैगी यूज़ करी, कभी मैंने ब्रेड यूज़ करी, या फिर कभी मैंने मनेको यूज़ किया, एंड दैट आई मेड बाई माई सेल्फ. तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना वो वीडियो. एंड दिस पिज़्ज़ा इज़ मेड बाय माई मॉम. अब भाई इसको मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ लाइक बिट ऑफ एवरीथिंग पिज़्ज़ा. मतलब पिज़्ज़ा बेस के ऊपर उन्होंने सॉस लगाई, वेजीज डाल दी और पोटेटो वेजेस डाल दिए एंड चीज़ डाला, और फिर कुछ ऐसा पिज़्ज़ा मेरे सामने आया. सो गेस व्हाट, आई एम गोना टेक राइट इन टू इट. बट इससे पहले यार मुझे इसमें ऑरिगेनो डालना है. थैंक यू डोमिनोज, नॉट फॉर पिज़्ज़ा बट फॉर दिस ऑरिगेनो, आई मीन फॉर दिस एक्स्ट्रा ऑरिगेनो जो आप मुझे हर बार दे जाते हो. आज उसका फाइनली कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ. गाइस द थिंग इज, मुझे ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अपने पिज़्ज़ा को मैसअप करने में. तो खाने से पहले ना यार एक बार मैं एक ट्यूटोरियल देख लेता हूँ जल्दी से कि इन चॉपस्टिक्स को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस पिज़्ज़ा टू बी ऑल ओवर दिस फ्लोर. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, जैसे इस ट्यूटोरियल में दिखाया है ना, मैं वैसे ही यूज़ करता हूँ, बट आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस तभी मैं ये सीख पाऊँगा. सो नाउ इट्स टाइम. And I have no idea why I am sitting inside my kitchen. I don't know. Quarantine में यार मैं बहुत weird चीजें कर रहा हूँ. Woohoo! देख रहे हो कैसे shake कर रहा है मेरा हाथ? इतनी powers है मैंने पकड़ा हुआ है. Pizza base को छोड़ के यार सब कुछ अच्छा है इसमें. मतलब अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना तो वो हार्वेस्ट का रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस मत यूज़ किया करो, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है. और हाँ, चॉपस्टिक्स भी ना ही यूज़ किया करो तो बेटर है. अगर आप चॉपस्टिक्स से इतनी छोटी चीज़ें पकड़ पा रहे हैं ना, देन यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव बिकम अ प्रो. फाइनली यार एक स्लाइस और बचा है एंड आई एम ऑलरेडी स्वेटिंग. बड़ी मेहनत का काम है यार. उठ जा यार, उठ, उठना. ओके I'm done with my lunch. और पेट तो भर गया पर थकान भी बड़ी हुई है. Now I'm gonna see you guys whenever my tummy calls. Bye. Hey foodies, so it's time for my dinner, but एक दिक्कत है. दिक्कत ये है कि आज डिनर में है राइस. अच्छा वैसे दूसरी दिक्कत भी है. दूसरी दिक्कत ये है कि ये जो दाल मुझे चावल के साथ मिली है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. आई जस्ट हेट दिस येलो वाली दाल. और एक और दिक्कत है कि मुझे इसको चॉपस्टिक्स के साथ खाना है. ग्रेट. ऑल्दो यार मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि लोग चॉपस्टिक्स के साथ राइस को खा रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, साइंटिफिकली पॉसिबल एंड लॉजिकली पॉसिबल. बट द क्वेश्चन इज, कैन आई मेक इट पॉसिबल? आई होप सो. यार शक्ल ही पसंद नहीं आ रही इस दाल की तो मुझे. सबकी एक ना एक कोई डिश तो होती है जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे ये येलो वाली दाल पसंद नहीं है. आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या सबसे बुरा लगता है. मैंने अपने आप को एक टाइम लिमिटेशन दी है, 30 मिनट्स के अंदर अगर ये खत्म जितना हुआ मैं उतना ही खाऊंगा, वरना बस जैसे पॉपकॉर्न छोड़े थे ये भी छोड़ूंगा. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये भी मुझे छोड़ना पड़ेगा. ऑल राइट. ओए होए, मतलब बड़े मिक्स इमोशंस हैं यार.
एक तरफ मैं खुश हो जाता हूँ कि एक बाइट बनी है, और जैसे ही चावल को मुंह में डालता हूँ और वो दाल का फ्लेवर होता है गंदा। अच्छे खासे दिन थे यार वो, हम बाहर जाते थे, इतना अमेजिंग खाना खाते थे, क्या क्या करना पड़ रहा है अब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन चॉपस्टिक से ना डिमसम्स और नूडल्स तो बड़ी आराम से उड़ जाती हैं, बट भाई चावल उठाने ना बहुत मुश्किल है। एक फायदा तो मुझे आज लगा चॉपस्टिक्स के साथ खाना खा के कि एक तो बड़ी कम क्वांटिटी में मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे पोर्शंस एक बार में मैं खा रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि बहुत टाइम लग रहा है अपने मील को ख़त्म करने में, विच इज़ शायद एक्चुअली गुड। ऑलराइट गाइस, आई एम डन विद माय डिनर। आई कांट इमेजिन यार कि ये राइस मैंने ख़त्म कैसे किए, टेक्निकली ख़त्म नहीं करे हैं, बट जितना मैं चॉपस्टिक से मैनेज कर सकता हूँ मैंने उतना खा लिया। और ये चैलेंज करने के बाद उन लोगों के लिए जो चॉपस्टिक से ज़्यादा अपना खाना खाते हैं और स्पूंस के लिए, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट आ गई है एकदम से, पता नहीं क्यों। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वीडियो मैं फिर से करूँ, चॉपस्टिक्स को यूज़ करते हुए फिर से 24 घंटे के लिए खाना खाऊं, बट देन आई एम नॉट गोना ईट घर का खाना फॉर श्योर, देन सुबह से लेकर शाम तक विल गो आउट एंड ईट लॉट ऑफ पैन एशियन फूड जो कि चॉपस्टिक्स के साथ ही खाया जाता है। सो या दैट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर श्योर। तो अभी के लिए यार आई एम डन, एंड आपको अब पता है क्या करना है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।